40 के बाद अक्सर इंसुलिन कम रिलीज होना शुरू हो जाती है और यहीं से शुरू होती है हमारी जो बीमारी है, शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और तमाम समस्याएं उससे ग्रसित हो जाती हैं। तो इसी बीमारी के इलाज के लिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और बातचीत करेंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सी औषधि हमारे पास अवेलेबल है जिसके जरिए हम लोगों को का इलाज प्राकृतिक तौर पर कर पाए। इंसुलिन कम बनना जब शुरू होती है तो दिक्कतें तो तमाम होती हैं, तो एक्सपर्ट से हम लोग बातचीत करते हैं। मदन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो सर, क्या आज किस पौधे के बारे में, औषधीय पौधे के बारे में हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जो क्या प्रॉब्लम आती है जो तनावग्रस्त लोग हो जाते हैं, इसके अलावा 40 से ऊपर के जो लोग हैं, 40-45 के आसपास, उनकी इंसुलिन जो है शायद कम बनना शुरू होती है, ऐसा जो है हम लोगों ने जानकारी मिली है। देखिए, जब पेनक्रियाज का एक्टिवेशन कम हो जाता है, पेनक्रियाज चूँकि इंसुलिन रिलीज करती है, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी से, तनाव से, घरेलू कलरह से, बहुत सारी चीज़ें हैं, या मोटापा वृद्धि से, या आजकल जो डायबिटिक वन टाइप वन डायबिटिक जो जेनेटिक पे ही आ रही है, इन सब में जब अगर इंसुलिन बनना पेनक्रियाज कम कर देगा तो उसके लिए हमारे पास एक औषधि पौधा है जिसको हम लोग इंसुलिन प्लांट के नाम ही से जाना जाता है, कॉस्टस इन इंग्लिश इसको, इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। ये पौधा बेसिकली इसका रूट्स जो है इसके कंद से ही ये प्रोपगेट होता है, इसकी जो पत्तियां हैं इसको अगर चबाते हैं तो ये प्राकृतिक इंसुलिन को पूर्ण करता है। देखिए, ये इंसुलिन प्लांट्स है, ये कॉस्टस की प्रजाति है, इस पर आप देखेंगे तो इसका जो ये पत्ती है, ये पत्ती इस पर अगर इस पत्ती को चबाते हैं, हल्का सा इसका स्वाद खट्टा खट्टा सा होता है, तो ये प्राकृतिक इंसुलिन की पूर्ति करता है और इसको बहुत इजी है घर में ग्रो करना। इसको एक बार एक पौधे को लगाएंगे तो बाई राइजोम, इसके वैसे तो इसके सीड भी आ रहे हैं, इस तरह के इसके सीड भी आते हैं, लेकिन इस बाई राइजोम जड़ के माध्यम से जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है और घर में इसको लगा के आराम से इसकी पत्ती को अगर चबाते हैं तो ये प्राकृतिक इंसुलिन को पूर्ति करता है। सर, कितने समय में जो है उग जाता होगा ये, अगर हम लोग दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, ये पौधा बहुत, इसको उगाना बहुत सरल है, हमारे यहाँ से या कहीं से भी किसी भी नर्सरी से कोई पौधा इंसुलिन का घर में अगर एक आदमी ले जाता है तो वो करीब 2 महीने के बाद करीब 1 फीट के लगभग का होगा, उसमें करीब 5-7 पत्तियाँ होंगी और उससे जो उसकी जड़ है उस जड़ से और उसमें राइजोम सेपरेशन होता है। इस तरह से 2 या 3 महीने के बाद हम इस पौधे से पत्तियां का इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 2-3 महीनों के अंदर ही हो जाएगा। सर, ये क्या चीज़ है ये, अगर हम दर्शकों को बताना चाहें? सीड आ रहा है, ये इसका बीज, इसका बल्ब बन रहा है, इसका बीज है, इसके अंदर जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इसके अंदर इस तरह के इसके दाने हैं जो इस दानों से भी अभी इसमें बन रहा है, चूंकि कच्चा है अभी, ये इस तरह के जो दाने इसमें बनेंगे इस दाने से भी इसका पौधा तैयार किया जा सकता है। और वैसे तो जड़ से प्रोपोगेट होता है, ये देखिए ये सब इसके दाने बन रहे हैं, इसका सीड्स बन रहा है, इसके सीड से भी, और इसका सीड्स भी यूजफुल है, इसके जो बीज है इसके बीज को भी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या बड़ी जो हर्बल्स कंपनियां हैं वो इसके सीड से भी इसका पाउडर फॉर्म में लेके वो प्राकृतिक इंसुलिन बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, प्राकृतिक तौर पर अगर इंसुलिन की समस्या को अगर निदान करना है आपको तो ये इंसुलिन का जो पौधा है उसका उपयोग कर सकते हैं, आप घर में भी इसका को लगा सकते हैं। सर, एक अगर हम बात करें तो कितनी पत्तियां जो है लगभग आ जाती होंगी, और जो है घर में तो ये मैं देख रहा हूँ कि इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे जो है लगा सकते हैं? देखिए, घर में अगर किचन गार्डन है ठीक है, ये गमले में भी बड़े साइज के टब में भी हो सकता है, और इसको बड़ा साइज़ तो चूँकि हमारे पास तो ये जंगल यहाँ पर काफ़ी जगह है इसलिए बड़ा हो गया, इसको छोटे में भी, जब इसमें 3-4 पत्तियाँ आती हैं, इसकी हल्का सा ऊपर से टॉप तोड़ दिया तो उसमें जो ज़्यादा मात्रा में जो बल्क आएंगे, जो उसकी जो कॉपीज प्रो ज़्यादा आएंगी उनसे बार बार उसमें पत्तियाँ आती हैं, तो इसको छोटा भी रखा जा सकता है उसके हल्के से टॉप को कम करके, और ये इजीली घर में 2-3 पौधे लगाते हैं तो ये 5-6 महीने 4-5 महीने तक आराम से इसका चलता रहता है, फिर नया पौधा हो जाता है, ये हमेशा रहता है, ये पौधा ये खराक ख़त्म नहीं होता है, तो आराम से इसको 1.5 साल 2 साल लगा के इसका प्रयोग करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं तो इंसुलिन में, पेनक्रियाज में काफ़ी इससे काम मिलता है।
बिल्कुल आपने समझ ही लिया होगा कि किस तरीके से अगर कोई तमाम समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हम लोग लगातार आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसका लिंक भी दे पाए, जिससे आप वहां से चाहे अगर सर ने बताया चूर्ण ले सकते हैं, या फिर पौधे का डिस्क्रिप्शन अगर हमें कहीं मिलता है तो उसकी जानकारी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम आप लोगों को लगातार देते रहते हैं कासनी के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो हमारे आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जो है कासनी को भी देखें, क्योंकि कासनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और तमाम उससे समस्याओं का जो है निदान भी होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।